थे आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में एसपी मोनिका शुक्ला ने वृक्षारोपण करके मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस संजीव सिंह को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस संजीव सिंह रायसेन जिले के भी एसपी रहे हैं। उनकी आकस्मिक मृत्यु पर रायसेन पुलिस परिवार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एसपी मोनिका शुक्ला ने उसी बंगले पर वृक्षारोपण किया जहाँ उन्होंने एसपी कार्यालय में अनेक पौधे रोपे थे जो आज बहुत फलदार हो गए हैं। एसपी मोनिका शुक्ला ने कहा कि स्वर्गीय संजीव सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, संवेदनशील इंसान, प्रकृति प्रेमी, सहृदय व्यक्तित्व, संजीव कुमार सिंह साहब का यूं असमय चला जाना बहुत दुख दे गया है। रायसेन जिले में उनकी बतौर एसपी पदस्थापना के दौरान उनकी ढेर सारी यादें हैं। कुशल पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ वे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी उतनी ही तन्मयता से शामिल होते थे। रायसेन पदस्थापना के दौरान वे स्पिक मौके के राज्य पदाधिकारी भी बने। ये संस्था युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और कलाओं के प्रति रुचि जगाने का कार्य करती है। संजीव सिंह जी मायनेट भोपाल के युवा विद्यार्थियों के साथ स्पीक मैके की बैठकों में हिस्सा लेते थे। भारत भवन में आने वाले देश के प्रख्यात आर्टिस्ट कुछ समय के लिए रायसेन आकर पुलिस लाइन ग्राउंड पर कार्यक्रम दे जाते थे। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। सर, रायसेन के एक सफल एसपी रहे हैं और उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। रायसेन जिले में कई लोग हैं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। आदरणीय सर ने इस बंगले पर अपने सेवानिवृत्ति के कुछ दिन पूर्व आए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि देखो मैंने ये पौधा लगाया, एक एक पौधे से वो जुड़े हुए थे। आज बड़ी दुखद घटना है कि सर हमारे बीच में नहीं है। सर की यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए आज हमने अपने पत्रकार साथियों और पुलिस साथियों के साथ या हमने वृक्षारोपण किया है ताकि सर की यादें हमेशा बनी रहें। सर को सादर नमन।